की सियासत में इन दिनों बेहद हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तय तारीख के अनुसार 17 नवंबर को ईडी कार्यालय में पेश होना था और तय तारीख के अनुसार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय गए हुए थे। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम जो कार्यकर्ता है वो आक्रोश रैली भी निकालते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि अभी जो हमें जानकारी मिली है वो यही है कि लगभग 12 बजे से यहाँ पर एक अहम बैठक रखी गई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ। लेकिन आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल सीएम आवास में 10:30 बजे के बाद नाच गाने का भी कार्यक्रम रखा गया है। हम ज़रूर यहाँ के कुछ लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ इन लोगों का कार्यक्रम है और इन्हें किसने बुलाया है। पहले तो ये बताइए कि आज आप लोगों ने कहा कि नाच गाने का आप लोगों का यहाँ पे कार्यक्रम है, किसने बुलाया है, कितने बजे से है? अभी तो ये 10 बजे से ऐसे टाइम 10:30 बजे था, अब हम लोग अभी पहुँचे हुए हैं, अब तो देख होने वाला है। अच्छा, कुछ देर में होगा ही। तो कुछ आप लोगों को जानकारी मिली है कि आखिर क्यों हो रहा है ये कार्यक्रम, ऐसा कुछ? ये वैसा हम लोग आया हुआ है उधर से गढ़वा जिला से, उसके बाद वहाँ प्रोग्राम है चलना है ऐसे बोला, उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ। तो मतलब आप लोगों को ये नहीं पता है कि क्या कार्यक्रम को लेकर आज आप लोग? उसी में कुछ प्रोग्राम है। अच्छा, तो तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए, हाथों में तीर धनुष, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो साइन है वो तीर धनुष है, और तमाम जो कार्यकर्ता है वो फिलहाल अलग अलग जिले से राजधानी रांची पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हम और भी कई लोगों से बात करेंगे कि आप लोगों ने कहा कि जन आक्रोश रैली जो निकाली जा रही है उसमें आप लोग भी शामिल होंगे और आप लोगों की ओर से कार्यक्रम भी रखा गया है, किस तरीके का आप लोग कार्यक्रम करेंगे? खुद गीत गाएंगे, खुद गाना गाएंगे या फिर कुछ अलग है? खुद गाना गाएंगे और नगड़ा धंगड़े अपने से बजाएंगे और उसी तरह से स्वागत करेंगे हेमंत सोरेन को। मतलब झारखंड के पारंपरिक तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को स्वागत कीजिएगा आप लोग? जी। तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं इनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ये लोग स्वागत भी करेंगे झारखंड के पारंपरिक तरीके से, यानी कि गीत और नाच करते हुए तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्वागत भी करेंगे। चूंकि एक और जहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से महारैली निकाली जा रही है, और भी कुछ हम महिलाओं से भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है, क्या कुछ रखा गया है, कहाँ भाग रही है, क्या कुछ रखा गया है, क्या आप लोग गीत गाएंगी नाचेंगी ऐसा कुछ है? नाच गाना है। अच्छा, खुद से गीत गाएंगी आप लोग? गाएंगे कैसे? दो पंक्ति अगर आप लोग सुना देते, अगर जो भी लोग गा रहे होंगे, क्योंकि आप लोग तो सब मिलकर गा रहे होंगे, दो पंक्ति अगर सुना दीजिए आप लोग। गाने के लिए बोलिए ना। अच्छा, ये लो, अब दो पंक्ति गा दीजिए, दो पंक्ति सिर्फ, कुछ याद है दो पंक्ति? किधर? अच्छा, और भी दो पंक्ति आप सुना दीजिए कि जो आप लोग आज गाकर यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं, जो कार्यक्रम आप शुरू करेंगे, कुछ गाना आप लोग गाएंगे ना, थोड़ा सा सुना दीजिए। झारे कांदी सुम चिरेगा छोटो नागे पुरे दीकु जाति को दिसुम रे जान बुआ झारे कांड दिसुम चिरेगा छोटो नागे पुरे जाति को दिसुम रे जान बुआ झारे कांड दिसुम चिरेगा छोटो नागपुरे दीकु जाति को दिसुम रे जान बुआ एयो ने नबुसो बेरे झारे कान छोटो नागपुर भुवन चाओ आबू ने नाबू सोबेरे आगामी झारे कान दिसु तब भुवन चाओ आबू झारे
डांडे दी तुम चीरेगा छोटो नाग भूरे जो लोग हैं यहाँ पर ढोल नगाड़े के साथ गीत भी गाते हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि इनका कहना है कि आज ये लोग झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को स्वागत करेंगे और गीत भी गाएंगे। चूंकि एक और जहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम जो कार्यकर्ता है वो आक्रोश रैली निकाल रहे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के समक्ष एकजुट हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर आज कार्यक्रम भी रखा गया है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर गढ़वा से पहुँचे और इनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी से वापस लौटे और ऐसे में उनका स्वागत भी यहाँ पर किया जाएगा। और इनका ये भी कहना है क्योंकि गीत के माध्यम से कई बातों को इन्होंने रखा है और जिस तरीके से सभी के मन में एक सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर से ईडी कार्यालय जाएंगे या फिर नहीं, लेकिन उससे पहले ही तमाम जो यहां पर कार्यकर्ता है और जो गढ़वा से जो लोग आए हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यहां पर काफ़ी अनोखे तरीके से यहां पर स्वागत करेंगे, यानी कि झारखंड के पारंपरिक तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का थोड़ी देर के बाद स्वागत भी होगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, 22 को रांची।